कमलनाथ जी जिनकी निगाहों में अपनी ही पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की कोई कीमत नहीं है, वह भला लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने जाने वाले विधायकों का मूल्य क्या समझेंगे। ये शब्द हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल सोमवार को कमलनाथ भोपाल में पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक ले रहे थे। उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी के बहुत से नेता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मिलना भी चाहते हैं, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। जब कमलनाथ से विधायकों को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायकों की कोई कीमत नहीं होती है, कोई आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो नेता जमीन से जुड़ा होता है वजन उसी का ज्यादा होता है, उसे खुले में मिलने से कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए उन्होंने मिलने वाले सभी लोगों को कहा है कि प्राइवेटली नहीं मिलूंगा, जनरल में मिलने आ जाओ। जिसके बाद नाथ का यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर छाया, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। वैसे लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने जाने वाले विधायकों का मूल्य समझने की बात जब प्रदेश के बीजेपी नेता करते हैं तो थोड़ी हैरानी होती है। जिनकी निगाह में राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो, वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं, और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी आपको भी सोचना चाहिए, जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ कहने लगते हो, इधर कहते हो कीमत नहीं है। आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से, एक चीज़ आपकी तय करना चाहिए आपको। ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना वो बोलता है विधायकों के बारे में। आप वही कमलनाथ जी हैं जो महिला जनप्रतिनिधि को आइटम बोल देते हैं, जो आप बोलते हैं कि विधानसभा में बकवास, विधानसभा की कार्रवाई और जो सार्थक बहस होती है आप कहते हो कि वह बकवास होती है विधानसभा के अंदर। ये सब आपके अहंकार को दर्शाता है।